दोस्तों, नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जितने भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन भाइयों ने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का न्यू अप्लाई ऑनलाइन किया था, तो कुछ दिन पहले किया था, यानी कुछ दिन हो गया है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ चेंजिंग आपको दिख रही है। तो आप लोग सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करें, यदि आप लोग न्यू अप्लाई ऑनलाइन किए थे, यानी 4 महीने 6 महीने साल भर 1.5 साल 2 साल हो गया है, तो भाई आप जो है अपना एक बार स्टेटस एक बार फिर से जो है चेक करें, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो कुछ दिन पहले अब मैं चेक कर रहा हूँ तो कुछ और दिखा रहा है। तो भाई आप लोग जो है एक बार अपना स्टेटस जरूर देखें, यदि आपने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का जो भी आपने ऑनलाइन किया है, तो एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक करें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको वहाँ तक पहुँचाता हूँ, उसके बाद जो है आप जो है ओटीपी के माध्यम से चेक कर सकते हैं स्टेटस। सबसे पहले कोई एक ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है, इसमें आपको टाइप कर देना है SSPY। तो हम लिखते हैं SSPY। तो जैसे आप लिखेंगे SSPY, तो एक बार आपको स्पेस दे देना है, स्पेस देने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यूपी पेंशन स्कीम SSPY.UP.GOV.IN पर आपको जाना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो भी आपने ऑनलाइन किया है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी आपने पेंशन का अप्लाई किया है, तो उस पर आपको जाना है। तो फिलहाल मेरा वृद्धा पेंशन है, तो हम योजना के विषय में जाएंगे नीचे, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, उससे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आवेदन लॉगिन। तो आप आवेदन लॉगिन पे क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो इसमें आपको डालना है सेलेक्ट पेंशन स्कीम, यानी आपका जो भी पेंशन है, यानी आपने जो भी ऑनलाइन किया है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी आपने ऑनलाइन किया है, उसको सेलेक्ट करना रहता है। तो हम ओल्ड एज पेंशन पे क्लिक करेंगे, ये वृद्धा पेंशन है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या आपको डालना है, तो आपको सही सही रजिस्ट्रेशन संख्या इसमें डालना है। उसके बाद इसमें आपको रजिस्ट्रेशन संख्या डालना है, जो भी आपका है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको इसी तरह से डाल देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी आपके पेंशन में जो भी मोबाइल नंबर अपडेट है, उसको आपको इसमें डालना है, क्योंकि उस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी इसमें फिल करना रहेगा। फिल करते ही उसके बाद कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल करके जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपका सब कुछ शो होने लगेगा। तो मैं आपको लाइव इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है। तो फिलहाल आप लोग ऐसे ही करिएगा, आपका स्थिति जो है यहीं से पता चलेगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कुछ देर पहले जो है मैंने स्क्रीन शॉट लिया था चेक करके। भाई देखिए मैंने स्क्रीन शॉट लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे दिखे। तो ये देखिए जो है मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, जो हमारा आधार है वो पेंडिंग में दिखा रहा है, यानी फिर से जो है प्रोसेसिंग में है, यानी पेंडिंग में है, जब तक कि कंफर्म नहीं होता है तो हम यहाँ कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उसके बाद तो इसमें आपको चेंजिंग देखने को मिल रहा है, पहले पेंडिंग नहीं दिखा रहा था, तो अब इसमें जो है पेंडिंग दिखा रहा है। तो आप लोग नीचे भी देख सकते हैं, ये देखिए एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, जो आपका आधार है वो पेंडिंग में है, अभी जो है क्लियर नहीं हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो अभी फिलहाल कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, केवल इसमें पेंडिंग दिखा रहा है। तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं इसी तरह से। तो फिलहाल जब ये पेंडिंग खत्म हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है आधार है वो वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोग जो है इसी तरह से चेक कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधे अपने समाज कल्याण ऑफिस पे आप लोग जा सकते हैं, वहाँ अपना स्टेटस चेक करवाएंगे, तो आपका जो भी समस्या है वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। भाई आपको एक बार जरूर जाना पड़ेगा समाज कल्याण ऑफिस, हो सकता है कि आपका पैसा जल्द से जल्द आ जाए, यदि आपका ये वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपको बेहद जरूरी है करवाना। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, चाहिए।